हे गाइस, आज मैं आपको TVS iQube S के स्पीडोमीटर की कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने TVS iQube S के स्पीडोमीटर को यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आ रही है, प्लीज़ रिट्रैक्ट दिस साइड स्टैंड। तो सबसे पहले अपना साइड स्टैंड को हटाना है, उसके बाद आपके सामने डिस्प्ले आ रही है कि प्रेस दी लेफ्ट ब्रेक, उसको मैंने प्रेस किया और यहाँ पर ये मोड वाला बटन है, उसको मैंने प्रेस किया, आपका स्कूटर राइडिंग मोड में आ जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर आपका स्कूटर रेडी टू राइड है, जैसे कि आप देख रहे हैं मूवमेंट आ गई है स्कूटर में। अब बात करेंगे यहाँ पर इसके कंप्लीट फीचर्स की कि किस तरीके से आप अपना स्पीडोमीटर यूज़ कर पाएंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है इको मोड। तो दोस्तों, यहाँ पर ये इको मोड है, यहाँ पर ये जो बटन है मोड का, यहाँ से आप अपने मोड्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसका स्पोर्ट मोड एक्टिव कर सकते हैं। सो बेसिकली पावर मोड है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर पावर आ गया है, इसको अगेन प्रेस करूँगा, यहाँ पर इको आ गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर रेंज भी चेंज हो जाती है, यहाँ पर 105 है, अब आपको यहाँ पर 75 दिख रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपकी बैटरी 100% चार्ज दिखा रही है, दैट मीन्स फुल्ली चार्ज है, ट्रिप मिल जाती है, यहाँ पर आपके किलोमीटर्स मिल जाते हैं, एवरेज स्पीड मिल जाती है। उसी के साथ साथ दोस्तों, डिस्प्ले में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रेडी टू पेयर, दैट मीन्स यहाँ पर ही आपको TVS का स्मार्ट एक्स कनेक्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। सो आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर पाएंगे TVS iQube S के स्पीडोमीटर से, जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कॉल की, ईमेल और मैसेज की, नेटवर्क की और बैटरी की। सो यहाँ पर आपके मोबाइल की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। अब बात करेंगे इसके फीचर्स की, भाई फीचर्स किस तरीके से यूज़ करना है। सो यहाँ पर आपको जॉयस्टिक मिलता है, जैसे कि आप मेरा थंब फॉलो करें, यहाँ पर लेफ्ट राइट अप डाउन यहाँ पर आपको मिल जाता है। सो इसको प्रेस करना है और यहाँ पर आपका मेन्यू आ जाएगा। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले जनरल सेटिंग मिलती है, जनरल सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सो बेसिकली प्रेस करेंगे, सबसे पहले डेट आता है, सो डेट को क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑटो और मैनुअल है। सो अगर आपको मैनुअल में जाके सेलेक्ट करना है, सो क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपनी डेट मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उसी के साथ साथ अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे टाइम की। सो टाइम को भी आप इजीली मैनुअल तरीके से सेट कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे और प्रेस करेंगे, आप अपना टाइम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्प्ले सेटिंग। सो यहाँ पर आप अपने डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी इंक्रीज कर सकते हैं। सो यहाँ पर अडेप्टिव है और मैनुअल है, मैनुअल में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको ब्राइटनेस मिलेगी। इस जॉयस्टिक से आप ऊपर नीचे करके इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग आपको 1 पे रखना चाहिए, बिकॉज आपकी बैटरी भी सेव होगी। दोस्तों, बैक करेंगे, अब हम जाएंगे नेक्स्ट मोड पर, यहाँ पर आपको मिल जाता है साउंड मोड, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी साउंड ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लूटूथ सेटिंग। तो यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको ब्लूटूथ सेटिंग में जाना पड़ेगा, डिवाइस नेम पे क्लिक करना पड़ेगा। सो दोस्तों, यहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस उसी का कनेक्ट होगा जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड होगी। सो दोस्तों, जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराया होगा वो अपना मोबाइल नंबर देगा, उसी नंबर से ये कनेक्टिविटी होगी, अदर आप किसी नंबर से नहीं कर सकते। वो कुछ स्पेशल केस होते हैं जहाँ पर लोग कर लेते हैं, बिकॉज अप्रूवल लेना पड़ता है ऊपर से। उसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर आता है माय व्हीकल। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपने व्हीकल की सर्विस, एरर्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, सो बेसिकली आप यहां पर अपने डॉक्यूमेंट सकते हैं, लाइसेंस, RC, पॉल्यूशन इंश्योरेंस। उसी के साथ साथ यहां पर आपकी ट्रिप मीटर भी मिल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर जाएंगे, यहां पर आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी, लास्ट ट्रिप मीटर। दोस्तों, यहां पर आप जॉयस्टिक की हेल्प से आप कुछ भी कर सकते हैं अपने स्पीडोमीटर में। अब बात आती है प्राइवेसी की। सो यहां पर कनेक्टिविटी में डिस्प्ले कॉल, डिस्प्ले मैसेज, सो आपके मैसेज सिर्फ आप देख पाएंगे अपने मोबाइल कनेक्टिविटी के थ्रू, यहां पर भी अगर आपको चेक करना है। दोस्तों, अब बात आती है प्रोफाइल की। सो प्रोफाइल में जाएंगे, सो आप अपना यहां पर नेम यहां पर मेंशन कर सकते हैं, आपकी जो मोबाइल की डिटेल होगी वो यहाँ पर शो करेगी। तो आपको पहले अपना मोबाइल कनेक्ट करना होगा, उसी के बाद आपको यहाँ पर आपका प्रोफाइल शो होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल दी गई है TVS iQube S के स्पीडोमीटर की कि किस तरीके से आप अपनी सेटिंग्स को रीचेंज कर सकते हैं, कनेक्टिविटी कर सकते हैं, अपना टाइम चेंज कर सकते हैं, अपने मोड लगा सकते हैं किस तरीके से। सो इस वीडियो में आपको डिटेल बताई गई है अबाउट TVS iQube S डिजिटल स्पीडोमीटर। आपको कोई भी कंसर्न है अबाउट दिस स्पीडोमीटर, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बता दूंगा कि कहाँ से आप अपना चेंज कर सकते हैं सेटिंग को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।